वेलकम बैक टू द चैनल प्रिंस ट्यूटोरियल। आज मेरा छठा वीडियो है ये। इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लूप के बारे में। लूप में तीन लूप, तीन टाइप्स के लूप थे। पहला था फॉर व्हाइल डू व्हाइल, पहला दूसरा से कोई लेना देना नहीं, मतलब ये तीन लूप थे। तो मैं हम लोगों ने इन तीनों लूप के बारे में पढ़ा था। पर अब जब मैंने पढ़ तो लिया, अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर मुझे बड़े बड़े नंबर्स मिल गए, मुझे बड़े मतलब लूप्स, कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर तो चेक करता है, जैसे आपके दिमाग में भी एक ब्रेन है। ब्रेन जो है क्या करता है, किसी भी चीज को अगर आप रन करते हो, मतलब कभी भी अगर आपको, जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको जाना है मंदिर और आपको जाना है बाजार, और बाजार के ही रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो आप लोग क्या करोगे? जो थोड़े दिमाग वाले होते हैं, या जो एक्चुअली 90% लोग क्या करेंगे, वो मंदिर होते हुए बाजार को चले जाएंगे, फिर बाजार से वापस आ जाएंगे डायरेक्ट घर। पर अगर आप चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हो ना, आप यहाँ से चले गए मंदिर, फिर मंदिर से घर आए, फिर यहाँ से घर से चले गए आप लोग बाजार, फिर बाजार से घर आए। इतना करने से अच्छा है कि मैं एक बार ही मंदिर चले जाऊँ, फिर मंदिर से फिर मैं बाजार से जाकर सामान लेकर घर आ जाऊँ। तो ये क्या हुआ कि मैंने कुछ लूप में मैंने क्या किया, एक चीज को मैंने एग्जिट कर दिया। एक बार मैं घर आना और एक बार मेरा मतलब वहां से फिर बाजार तक जाना, मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो इसी टाइप को मतलब कभी कभी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे प्राइम नंबर फाइंड करना है, ये भी तो एक मैथ है। तो आपको इसके ऊपर मैंने अगर प्रोग्रामिंग लिखने दूंगा तो आप तो लिख लोगे, प्रोग्रामिंग सिंपली लिख लोगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक है प्राइम नंबर का। मेन बात होता है कि प्राइम नंबर जो है सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल होता है। तो जब ये दो चीज से डिविजिबल होता है तो मैं इसका प्रोग्रामिंग आराम से लिख सकता हूँ कि ये ऐसे ऐसे है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। वो आपने प्रोग्रामिंग लिख लिया, फिर आपने मुझे दिया चेक करने को, तो मैं जब उसे रन करूंगा तो मैं उसमें मान के चलता हूँ मैं उसमें नंबर लिख दिया 5004, तब वो तो प्राइम नंबर नहीं है। पर हुआ बात क्या हुआ, आपका प्रोग्राम तो रन करेगा पर आपका जो कंपाइलर है, आपका कंपाइलर क्या करेगा उस लूप के अंदर 5004 टाइम्स उसको चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको इस चीज से बचना है, मुझे इतने टाइम्स चेक नहीं करना। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होता है तो वो तो मैं 2 से शुरुआत में, क्या होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं 1 से स्टार्ट किया, फिर मैं सीधा चला गया 2 पर। मैं जब गया 2 पर तो हुआ क्या कि मैं 2 से 5004 को डिवाइड किया, तो हाँ डिवाइड हो गया। वो डिवाइड जब वो हो गया, इसका मतलब वहीं पर सीधा पता चल जाता है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। आपको पता चल गया ना कि वो प्राइम नंबर नहीं है। पर बात क्या हुई है कि जब वो प्राइम नंबर नहीं होता है तो फिर हमारा कंप्यूटर जब तक, अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर चेक करते करते वो पूरा तब जाकर के लास्ट में हमें बताएगा कि हाँ वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि आपने उसे लूप से बाहर निकलने का बारे में तो आपको पता ही नहीं है। तो लूप से बाहर निकलने के लिए हमें 2 टाइप के स्टेटमेंट काम करते हैं, मतलब लूप से बाहर निकलने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए। पर अगर मैं आपको बोल दूं, ये तो आप एक एग्जाम्पल हुआ, अब दूसरा एग्जाम्पल हुआ, मैं आपको कहा प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो आप क्या करोगे, फॉर लूप व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप लगा के प्रिंट कर दोगे 1 से 100। पर अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 100 पर स्किप द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 एंड 10, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्किप करना होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसको स्किप करके आपको लिखना है। तो आप इसको अब स्किप कैसे करोगे, तो आप इसको स्किप करने के लिए आप इसमें एंड गेट का लॉजिक भी लगा सकते हो, और सिंपली अगर वो नहीं करना है तो उसके लिए एक दूसरे स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप कर देता है। हमें कोई प्रोग्राम रन करना है, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, अगर मैं आप बोलूँ 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखो पर नंबर 6 उसमें होना नहीं चाहिए, तो तब आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रिंट एफ %t1, प्रिंट एफ टू, प्रिंट एफ थ्री, ऐसे तो आप लिखोगे नहीं। आपको करना क्या होगा, आप पहले वहां लूप में डालोगे, फिर लूप में आपको अगर 3 नहीं लाना है तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम करता है। और ब्रेक स्टेटमेंट का काम कब है, वो सीधा जो है लूप से हमें एग्जिट करवा देता है, ताकि हमारा कंपाइलर जो है बार 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 उस लूप के अंदर काम ना करे। अगर मेरा काम हो गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का काम आता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने जैसे आपको बताया स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर इट एंड टेक्स द कंट्रोल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लूप, और ये सिंपली हमें सेंड कर देता है सीधा टेस्ट ऑफ द डाटा। मीन्स होता क्या है कि हमें जो चीज चाहिए वो सीधा हमें वो डाल देगा। हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट हमेशा, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का। मैंने मुझे क्या करना था, मुझे 8 तक प्रिंट करना है, 0 to 8,
1 to 8, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, सिंपली जे मैंने फोर लूप का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा, फोर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन 8, जे प्लस प्लस, फिर मैं क्या करूंगा, इफ जे इक्वल इक्वल्स टू 4, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या, स्किप कर दो जे को, हमको मतलब फोर को हम चाहिए ही नहीं चाहिए, अगर जब फोर आएगा मैं फोर को लूंगा ही नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे प्रिंट करते जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जे इक्वल्स टू, मैंने 1 लिया, 1 चेक किया, जे इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं है, नहीं है तो उसको प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा जे जो है इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, मीन्स जे का वैल्यू हो गया अप टू, उसके बाद फिर हमारा जे का वैल्यू सीधा चेक करेगा कि वो जो है 8 से लेस देन 8 है, हाँ 2 लेस देन 8 है, और फिर यहाँ पर डिसीजन पे आएगा, डिसीजन में क्या है, क्या 2 इक्वल इक्वल्स टू 4 है, नहीं है तो फिर प्रिंट कर दो, फिर सेम इंक्रीमेंट बाय 1 मीन्स 3 नहीं है, फिर वो प्रिंट करेगा, फिर 4, जब 4 आएगा तो मैं क्या करूंगा, 4 लेस देन 8 है, हाँ, फिर यहाँ क्या बोला है, 4 इक्वल इक्वल टू 4 है, हाँ यहाँ पर 4 इक्वल इक्वल टू 4 है, तब मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स स्किप कर दो, वहां से वो फिर सीधा डायरेक्ट इंक्रीमेंट में चल जाएगा, यहाँ पर फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो सीधा आपको जो है लूप से बाहर निकल देगा हमेशा, ब्रेक मतलब क्या, टूट जाना, मीन्स आपको वहां से एजुक्यूशन मतलब आपको बाहर निकाल देगा लूप से। कभी कभी बड़ा बड़ा लूप में अंदर घुस जाते हैं, जैसे 5002 मैंने बोला, वो तो 2 से शुरुआत में डिवीजन होने के बाद ही काम खत्म हो गया, पर मेरा कंपाइलर क्या करेगा, मैं 5000 टाइम्स वो रन करेगा, 5000 टाइम्स उस लूप में वो चेक करेगा, तो मुझे उस चेक करने से बचने के लिए इस स्टेटमेंट का काम आता है। हाँ, अब फिर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या मुझे इस स्टेटमेंट का जरूरत है या नहीं, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो भी खराब बात नहीं है, पर सीख लेने में क्या बुराई है, हमें जान के रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ होता है नहीं होता है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, तब आप क्या करोगे, आपको तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए जानना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर का बात क्या होता है, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ए, ए मीन्स द नंबर जो प्रोवाइड किया गया, मैंने नंबर ले लिया, मान के चलता हूँ 4 लिया, तो मैंने क्या किया, आई का वैल्यू इनिशियलाइज स्टेटमेंट मैंने क्या किया, ये वाइल का लूप का स्ट्रक्चर है, तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू आई का वैल्यू 2, इसलिए इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ, देखिए मैथ्स क्या होता है, मैथ्स होता है क्या है कि आपको अगर कोई चीज अगर आपको बनाने के लिए दी गई हो तो सभी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, कोई ऐसे इस फॉर्मूला से इस प्रोसेस से बनाया, कोई अलग प्रोसेस से बनाया, बहुत कम का ही मतलब बहुत सबका जो है क्या होता है कि प्रोसेस जो है डिफर करता है। तो इसमें भी जो है एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है, आप दो टाइप से कर सकते हो, पहला आपको 1 से भी डिवाइड करना होगा और उससे भी डिवाइड करना होगा, दोनों से डिवाइड करके इक्वल टू 0 आता है तो काउंट करके, काउंट वाला फॉर्मूला मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको बाद में कभी बता दूंगा, और नहीं तो ये काम कीजिएगा कि ये प्राइम नंबर का ये मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उसका प्रोग्रामिंग लिख करके, अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो ये मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट में होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने आई को मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्या कि अगर जैसे 7 है, 7 1 से और 7 खुद से डिवाइड होगा भाई, बात और तो किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया 1 को और 7 दोनों को हटा दिया। तो दोनों को हटाने के लिए काम क्या करना होगा, मुझे इनिशियलाइज स्टेटमेंट को चेंज करना होगा, तो मैंने आई को 1 के जगह 2 लिख दिया, मीन्स मेरा 1 से वो चेक कभी करेगा नहीं, बचाओ अब 7, तो मैं यहाँ पर वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल आई मतलब ए लेस देन मतलब आई लेस देन ए, मीन्स वो 7 से डिवाइड करेगा ही नहीं, जब वो डिवाइड नहीं करेगा तब मेरा वैल्यू आएगा, मीन्स 7 मैंने ए का वैल्यू 7 लिया, ठीक है मैंने 7 लिया, तो मीन्स क्या हो गया कि मेरा जो है आई जो है मैं जो इंक्रीमेंट है मैं 7 से कम तक ही चेक करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाइल आई लेस देन ए है तो मुझे ना 1 से चेक करना पड़ा ना ए से चेक करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब इस दोनों से चेक नहीं करूंगा, और जो मैंने यहाँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में लिखा है अगर वो किसी से भी कट जाता है तो वो प्राइम नंबर है नहीं है, सॉरी वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मेन बात किया, देखिए मैंने ए मतलब मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 5002, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 से मैंने स्टार्ट किया तो क्या 2 मतलब 5002 डिवाइड बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो सीधा मैं क्या करूंगा नॉट प्राइम प्रिंट करके सीधा ब्रेक करके मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, मैं सीधा लूप से बाहर आ जाऊंगा और मेरा काम वहीं खत्म,
मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि वो जो है बार बार जो है हमारा कंपाइलर जो है रन नहीं करेगा, इस लूप को 5002 टाइम्स में जाएगा नहीं। तो मैं आपको सिर्फ आज एक ही प्रोग्राम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोग्राम मैं आप लोग को आज का बताता हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट, और ये प्राइम नंबर का है। तो ये प्राइम नंबर वाले ये आप मुझे बताओगे, मैं इसे बताने से रहा, तो आप जो है इसे रन करके मुझे बताना। और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में मैं बताता हूँ। कंटिन्यू में मैंने क्या बोला था कि आपको चेक करना है क्यों नंबर है, प्रिंट मतलब स्किप कर देना है। तो मैं चाहता हूँ क्या, मैं स्किप करना चाहता था, मान के चलता हूँ मैं 5 को स्किप करना चाहता हूँ। तो जे इक्वल टू जीरो मीन्स वो जीरो से स्टार्ट होगा, पहले जीरो चेक करेगा, जीरो क्या 5 के बराबर है, नहीं है, तो वो सीधा प्रिंट करेगा जीरो, फिर वो इंक्रीमेंट बाय वन होगा, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। जब जे का वैल्यू 5 आएगा तो वो चेक करेगा क्या 5 इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो वो क्या किया स्किप कर दिया, मीन्स कंटिन्यू मीन्स सीधा आप जो है फिर से लूप में इंक्रीमेंट कर दो जे का वैल्यू, फिर से आप चेक करो, मीन्स जे का वैल्यू 5 जो है प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 6 7 8 5 इसमें से गायब है। यहाँ देखिए प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 0. इतना सेकंड, ये जो टाइम है ना ये आपका डिफर करेगा जब आप ब्रेक स्टेटमेंट जब यूज करोगे, जब बड़ा वाला नंबर लोगे और जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे तब ये टाइम में डिफर करेगा, और जब यूज नहीं करोगे तब टाइम आपका डिफर करेगा। आप एक बार करके देखना आपको पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद मैं आप लोगों को, मैंने एक चीज आप लोगों को अभी तक पढ़ाई नहीं थी, वो था नेस्टेड ऑफ फोर लूप। नेस्टेड ऑफ फोर लूप मैंने थोड़ा सा ही समझाया था। तो उसमें क्या होता है, मैट्रिसेस के बारे में आता है। जैसे जो लोग 11 12 पढ़ चुके हैं तो उसमें हम लोग पढ़े थे मैट्रिस, तो हम अब मैट्रिस प्रिंट करना सीखेंगे। उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ हो। अब हम लोग 2 डायमेंशनल सीखेंगे। 2 डायमेंशनल मीन्स लेंथ ब्रेथ दोनों होगा, मीन्स रो भी होगा और कॉलम्स भी होगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जैसे प्रिंटिंग ऑफ पैटर्न, स्टार पैटर्न, पिरामिड, प्रिंटिंग ऑफ ट्री, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। और ये प्राइम नंबर वाला आप लोग जो है रन करोगे, रन करके मुझे बताओगे आप लोग का आंसर आता है कि नहीं, वो भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए हुए आप लोग मुझे बताना। और अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना भाई। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।